अलीगढ़ में एक शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विवाह के दौरान होने वाली सभी रस्में हल्दी बैंड बाजा बारात वरमाला फेरे आयोजित की गई। साथ ही विवाह समारोह में सैकड़ों पुरुष महिलाओं समेत जन प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसके बाद विवाह समारोह चर्चा का विषय बन गया। दरअसल बन्ना देवी थाना क्षेत्र के बरौला जाफराबाद इलाके में लड्डू गोपाल के प्रेम में लीन हुए एक दंपति संगीता कुलश्रेष्ठ पत्नी संजय कुलश्रेष्ठ ने शादी तो की थी, लेकिन लड्डू गोपाल के प्रेम में लीन दंपति ने बच्चा पैदा नहीं किया। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि दंपति ने शादी के बाद बच्चा पैदा नहीं किया और 21 वर्ष पूर्व लड्डू गोपाल को गोद लिया। दंपति ने उनका पालन पोषण एक बच्चे की तरह किया है। लड्डू गोपाल को प्रतिदिन नहलाया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं और अन्य बच्चों की तरह उन्हें पढ़ाया भी गया। साथ ही हर वर्ष उनका जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया गया। अब उनके लड्डू गोपाल 21 साल के हो चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने आज आम जीवन में होने वाली शादियों की तरह उनकी शादी राधा रानी से रचाई है। संजय जी, आज किस तरह का कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया है? आज मैं अपने बेटा कन्नू जी, जो ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल जी, 21 साल पहले कृपा करके मेरे जीवन में आए थे। आज वो वयस्क हो गए तो उनका किशोरी जी के साथ विवाह कर। किस तरह जीवन शैली रही है, किस तरह आपने पालन पोषण किया है? बिल्कुल मेरे बालक है। शादी के बाद हमने निर्णय लिया था हम पुत्र नहीं करेंगे, गोपाल जी की ही सेवा करेंगे, इन्हीं में समर्पित है। सेवा करते करते आप लोगों के आशीर्वाद से आज 21 साल हो गए, वयस्क हो गए, इसलिए उनकी शादी समझ। 21 साल के कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ें आपके द्वारा बताई गई है, क्या कुछ रहा है 21 साल के करियर में? 21 साल में मुझे होना बालक वाला सारे सुख दिए, छोटे से बड़ा होते हुए मैंने देखा है, सारी लीलाएँ करते हैं मेरे साथ, इसीलिए मुझे आज कुछ भी अच्छा नहीं लगता उनके। अच्छा, पढ़ाई वगैरह भी आपने, एडमिशन वगैरह भी स्कूल में कराया है? नहीं, क्या मैंने उन्हें घर पे ही पढ़ाया, लड़ना सिखाया, खेलना सिखाया, गिल्ली डंडा बहुत अच्छा खेलता। शादी में धूमधाम से बैंड बाजों के साथ लड्डू गोपाल की बारात निकाली गई, जिसमें उनके तमाम रिश्तेदारों के साथ क्षेत्रीय लोग, विधायक सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। शादी में लड्डू गोपाल की बारात आई, जिसके बाद पंडितों ने उनका द्वाराचार किया। साथ ही स्टेज पर वरमाला कार्यक्रम भी रखा गया और फिर अंत में हजारों लोगों के भोजन के बाद उनके साथ फेरों की रस्म करने के बाद शादी को संपन्न कराया गया। वहीं दंपति के अनोखे अंदाज में की गई लड्डू गोपाल की शादी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। का दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली है, जो हमारे ठाकुर जी की बारात अलीगढ़ में प्रथम बार हमारे ठाकुर जी का ही शादी होने जा रही है, राधा रानी के साथ, किशोरी जी के साथ होने जा रही है। इससे ज्यादा हर्ष का विषय नहीं हो सकता है, जो कि 21 साल तक हमारे कुलशेष जी ने उनका पालन पोषण किया, गिल्ली डंडा खिलाया, गेंद बल्ला खिलाया, हर तरीके से उन्हें पढ़ाया लिखाया, अच्छी परवरिश दी। आज 21 साल के बाद उनका विवाह होने जा रहा है मेरे ठाकुर जी का, कि मेरी किशोरी जी के साथ। इससे ज़्यादा सौभाग्य का विषय हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। ये दर्शन लाभ हम लोगों को मिला है, ये वास्तव में हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। कबीर जी ने लिखा था कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिगाए, राजा प्रजा जे ही रुचे, सीस देई ले जाए। अर्थात प्रेम न तो किसी खेत अथवा क्यारी में उगता है और न ही ये किसी बाजार में बिकता है, ये तो वो खजाना है जो यदि किसी के मन को भा गया तो भले ही वो व्यक्ति राजा हो या कोई प्रजा, वो अपने प्राणों के मोल पर भी इसे प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अलीगढ़ से अर्जुन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।